हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो हमारी किरचॉफ के नियम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की है। इससे पहले वाली वीडियो में किरचॉफ के नियमों को समझ लिया था और ये जो एग्जांपल है हमारे पास का या लूप का, उसको हमें समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हमें क्या मान लेना है, आपको मान लेना है बंद पास ए बी सी डी और ए, मतलब आपको कोई सा भी एक पास मान लेना है। तो हमने पास का मतलब क्या होगा, लूप मान लेना है कोई सा भी। तो हमने क्या मान लिया, पास ए बी सी डी ए। देखो ए से स्टार्ट हुआ और ए से खत्म हो गया लूप। लूप का मतलब क्या हो गया, कहीं एक जगह से स्टार्ट हुआ और एक जगह से बंद हो गया। तो यहां पर हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम ए से बी गए हैं, फिर हम बी से सी गए हैं, फिर हम सी से डी गए हैं और फिर डी से ए गए हैं। तो हमने देखा कि जो किरचॉफ का द्वितीय नियम था वो किस चीज पर बेस्ड था, तो वो था सिग्मा ई इज इक्वल्स टू सिग्मा आई आर। ये फॉर्मूला था हमारा, है ना, सिग्मा ई इज इक्वल्स टू सिग्मा आई आर। और यहाँ पर जो आई इंटू आर था उसके लिए जो परिभाषा हमने देखी थी, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा, किरचॉफ के जो द्वितीय नियम की थी। तो उसमें क्या है कि धारा के संगत प्रतिरोध। तो देखो आइए समझते हैं इसको आगे कैसे करना है, क्या करना है। तो हम ए से बी जा रहे हैं, तो आप देखिएगा ए से बी जा रहे हो, जैसा आपने लिखा है तो आप ए से बी जा रहे हो, अपने हिसाब से चल रहे हो। तो आप ए से बी गए, अब आप देखेंगे सबसे पहली बात क्या, धारा के अगेंस्ट जा रहे हो या धारा के साथ जा रहे हो। अगर आप धारा के साथ हो तो पॉजिटिव लेना है, और धारा के अगर विपरीत में जा रहे हो तो नेगेटिव लेना है। तो हमने देखा कि धारा तो ऐसे बह रही है और हम ऐसे जा रहे हैं, तो हम धारा को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो हमने देखा कि जितने भी धारा मिले और उसके संगत प्रतिरोध मिले उनका मल्टीप्लाई कर दो। तो हम ऐसे गए ए से बी, ए से बी में धारा कौन सी है, आई वन है, और संगत प्रतिरोध क्या है, आर वन है। तो हम कह सकते हैं आई वन और इनटू में आर वन, लेकिन हम अगेंस्ट गए थे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। उसके बाद आगे देखिएगा, फिर हम गए बी से सी, कुछ नहीं है, फिर सी से डी में गए। जब सी से डी में गए तो हमने देखा कि यहाँ पर आई टू है और आर टू है और हम धारा के साथ भी चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में I2 into R2। तो ये हो गया हमारा धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। ठीक है भाई, इतना क्लियर। उसके बाद अब देखो आप कैसे चल रहे हो, आप धारा के अगेंस्ट चल रहे हो, तो इवन लोगे, इवन कैसा लोगे, नेगेटिव लोगे। फिर दोबारा आए यहाँ पर तो E2 कैसा लोगे, पॉजिटिव, क्योंकि धारा के साथ चल रहे हो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर प्लस वाले को इधर लिख लो, I2 into R2 minus I1 into R1 is equals to E2 minus E1। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी पहली इक्वेशन। इसी तरीके से आप नेक्स्ट इक्वेशंस को भी बना सकते हैं, तो आइए उसको भी देख लेते हैं जरा एक बार। हमने ले लिया नेक्स्ट पास, पास D, C, E और F। ठीक है, D, C, E, F और D। ठीक है, तो देखो D से C गए, मतलब हम धारा के अगेंस्ट जा रहे हैं, और इसमें धारा के साथ संगत प्रतिरोध क्या मिला है आपको, तो आपको मिला है I2 into में R2। ठीक है, अब ऐसे आए, इधर आए, तो देखा कि हम ऐसे करके जा रहे हैं और धारा के अगेंस्ट ही जा रहे हैं हम भी, C से देखो, अच्छा देखो यहाँ पर E है, यहाँ पर F है, तो इसे मान लेंगे F और इसे मान लेंगे E। ठीक है, तो C से F गए और फिर F से E गए, अभी भी हम क्या जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं, तो धारा ऐसे जा रही है, और यहाँ पर आपका धारा की वैल्यू क्या है, I1 plus I2, और इनटू में संगत प्रतिरोध क्या है, R3। तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, I1 plus I2 और इनटू में R3 और बराबर। अब देखो यहाँ पर कितने संगत वैद्युत भाग बल, एक ही है बस, तो वैद्युत भाग बल हो जाएगा माइनस का P2। तो सेकेंड इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। तो इस तरीके से हमें ये चिन्ह परिपाटी लगानी है और इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो आइए आगे चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे। तो सबसे पहले किरचॉफ के पहले नियम पे बेस्ड, जो कि पहला नियम क्या था, सिग्मा आई इज इक्वल्स टू जीरो, सिग्मा आई इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को देखेंगे और उसको झट से कर लेंगे। देखिए कैसा न्यूमेरिकल आता है आपके पास, देखो आपको इस प्रकार से वो एक सीरीज बना के दे देगा, लाइक मैं एक छोटी सी सीरीज बना दी अभी मैंने। तो देखो आपने आपको उसने वैल्यू दे दी, देखो इसने बोल दिया कि ये है 1 एम्पियर और ये है 2 एम्पियर और ये है 3 एम्पियर और ये है आई वन। उसके बाद ये बोल दिया उसने 1.5 एम्पियर और ये बोल दिया उसने 2.5 एम्पियर और ये बोल दिया उसने आई एम्पियर। तो वो क्या पूछ लेगा, आई एम्पियर की वैल्यू पूछ लेगा कि आई एम्पियर क्या होगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले इसको एक संधि मान लेंगे P और इसको मान लेंगे Q।
सबसे पहले पी संधि को सॉल्व करेंगे, तो पी संधि को सॉल्व करेंगे तो इतने पार्ट को देखेंगे बस। तो हमने ये पढ़ा था इससे सिग्मा आई इक्वल्स टू जीरो, यानी कि किरचॉफ के प्रथम नियम से हमने ये पढ़ा था कि संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। तो देखो सबसे पहले संधि पर आने वाली, तो ये संधि पर आ रही है, ये भी संधि पर आ रही है और ये भी संधि पर आ रही है, बस ये संधि से दूर जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो I1 होगा यानी कि संधि से दूर जाने वाली धारा तो एक ही है और बाकी सबका योग इसके बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं 1 + 2 + 3, तो 3 और 2 5 और 1 6 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी 6 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पर आ रही है धारा 6 एम्पियर, हमने इस वाले बात को सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्यू पे, अब क्यू को सॉल्व करेंगे। तो क्यू को सॉल्व करने के लिए हम क्या देखेंगे, देखेंगे कि संधि पर कौन कौन सी आ रही है, संधि पर ये आ रही है और बाकी सब संधि से दूर जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि आई संधि से दूर जा रही है +1.5 और +2.5, ये तो संधि से दूर जा रही है और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा क्योंकि संधि की तरफ आ रही है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2.5 और 4.5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आई इक्वल्स टू 6 - 4.0 और ये हो जाएगा 2.0। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2.0 एम्पियर आ गई। तो आई इज इक्वल्स टू हो गया 2 एम्पियर। तो आपका आंसर ये हो गया। तो देखिए इस डायग्राम को हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैं मास्टरमाइंड में से करा रहा हूं और इसमें आपका 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, 2019 का बोर्ड का क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या दे रखा है। तो देखो सबसे पहले डायग्राम को देखते हैं कि इसमें डायग्राम में कैसे उसने दे रखा है। तो देखो उसने सबसे पहले एक संधि यहां बना रखी है, उसके बाद दो संधि बना दी है ना, और उसके बाद तीसरी संधि इस प्रकार से दी है। देखिए तो बहुत ही तरीके से डायग्राम बनाते हैं, बहुत ही अलग तरीके से, लेकिन ये बहुत ही इजी होते हैं। तो देखो वैल्यूज क्या क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर और इसकी वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर और इसकी वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर और इसकी वैल्यू दे रखी है पी आई वन और ये है पी संधि। उसके बाद इस संधि पर आते हैं, ये हो गई आपकी क्यू, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर और इसकी वैल्यू दे रखी है आई टू है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको और ये हो जाएगा आर है ना, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1.2 एम्पियर और इसकी वैल्यू दे रखी है आई और ये इसकी तरफ आ रहा है 1 एम्पियर। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसमें आई की वैल्यू पता करनी है और इसमें आई की वैल्यू हमें पता करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी संधि को सॉल्व करेंगे। तो देखो इधर सॉल्व कर लेते हैं, देखो पी संधि को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पी को सॉल्व करेंगे तो इतने पार्ट को देखेंगे, सिर्फ इतने पार्ट को। तो संधि की ओर कौन कौन आ रही है, ये संधि की तरफ आ रही है, ये संधि की तरफ आ रही है, तो इन दोनों का योग यानी कि 2 + 2 बराबर होगा संधि से दूर जाने वाली इसके और इस दोनों के योग के। तो 1 + I1, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 और 1 उधर गया तो 3 एम्पियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई है ना, तो ये 3 एम्पियर हो गया इधर आने वाला। अब क्यू संधि पर देखो, क्यू पर देखो भाई, तो क्यू पर क्या हो जाएगा, क्यू पर कौन कौन आ रहा है, ये आ रहा है और कोई नहीं आ रहा और ये दोनों तो दूर जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि I2 + 1 यानी कि संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होगा संधि के पास आने वाली धाराओं के योग के। तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आते हैं ये कितना हो गया, 2 आ रहा है इसकी तरफ, ठीक है ये 2 आ रहा है इधर है ना। अब देखो आर पर देखते हैं, तो आर पर कौन कौन आ रहा है, देखो ये आ रहा है 2 और 1 आ रहा है, तो 2 + 1 और संधि से दूर कौन कौन जा रहा है, 1.2 और आई, 1.2 प्लस आई। अब आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 और -1.2, ये कितना हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा। तो इस तरीके से I is equals to 1.8 हम इजिली किरचॉफ के पहले नियम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय गाइज़।